हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्राइवर्स के बारे में। तो बेसिकली ड्राइवर्स यूज़ होते हैं लैपटॉप और हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो ड्राइवर का मेन पर्पस है कि हमारा जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट है उससे कनेक्टिविटी बना रहता है ये। तो सपोज आपका वेबकैम है तो ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो बेसिकली आपका जो वेबकैम का हार्डवेयर है उससे कनेक्टिविटी बनाता है और उसके बाद वो फिर प्रोसेस वर्किंग करता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में हमारे। अभी आप डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ का ये देखिए, ये ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल है। तो सबके ड्राइवर्स रहते हैं यहाँ पर, ब्लूटूथ है, कीबोर्ड है, माउस है, वेबकैम, ये सबके ड्राइवर्स रहते हैं। तो ड्राइवर्स का मेन पर्पस तो मैंने आपको बता दिया, बट सपोज़ अगर कुछ ड्राइवर अगर मिसिंग रहे, सपोज़ आपने लैपटॉप को अपग्रेड कर दिया, सपोज़ विंडोज 7 से विंडोज 10 में कर दिया, नहीं तो आपका कुछ भी ड्राइवर मिसिंग है, तो फिर वो जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, वेबकैम है, वाईफाई है, तो ये वर्क नहीं करेगा अगर आपका ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप आपके जो भी ड्राइवर्स आपके लैपटॉप को चाहिए वो सभी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये सभी लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर जो है वर्क करता है। अगर आपका लैपटॉप डेल का है तो डेल के लिए, एचपी, लिनो, सैमसंग, सोनी, सब लैपटॉप के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वो सॉफ्टवेयर के बारे में। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। तो अभी हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद ड्राइवर पैक सॉल्यूशन टाइप करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का पहला ही जो है ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे https। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजर से आपको पता है कि ये देखिए यहाँ पे फॉर ऑल डिवाइस, मतलब सब डिवाइस के लिए अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं कौन से डिवाइस के लिए ये हमें बता रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं डेल है, एलजी है, आसूस है, सोनी है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, टोशिबा, लिनोवो, ठीक है। तो वेबसाइट पे आने के बाद अभी हम ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल द ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स करके डाउनलोड के लिए क्लिक करना है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आता है दो, इसमें एक रहता है ऑनलाइन और एक रहता है ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन डाउनलोड करना है तो उसका साइज़ है लगभग 10.2 GB के आसपास, और अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो फिर आपको जब भी आप ऑनलाइन रहोगे तो ये ड्राइवर से अपने कैच कर लेगा। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ही रखिए, क्योंकि 10.2 GB का फाइल, मतलब वो सब ऑल ड्राइवर्स रहेंगे उसके उसमें, तो ऑल ड्राइवर्स में बहुत सारे लैपटॉप्स के ड्राइवर्स भी उसमें रहेंगे, तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं है ऑल ड्राइवर्स रखने के लिए। तो बेसिकली हम ऑनलाइन के लिए प्रेफर करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.9 MB का फाइल डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर। हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है फाइल। इसके बाद हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। रन करने उसको ठीक है। एक बार ये जो एप्लीकेशन है आपके लैपटॉप में रन होगा, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा आपके लैपटॉप को पूरा स्कैन करके कि कौन से ड्राइवर मिसिंग है, कौन सा कनेक्टिविटी का इश्यू है आपके लैपटॉप में, पूरे ड्राइवर जो है वो अपने आप डाउनलोड करेगा। तो आपको कुछ यहाँ पे सेपरेटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही इस सॉफ्टवेयर का मेन एडवांटेज है। तो
जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस चालू हो गए हैं, बेसिकली डायग्नोसिस करता है पूरे लैपटॉप का, जो भी ड्राइवर मिसिंग है वो आपके लैपटॉप में फिर से इंस्टॉल कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलियंस ड्राइवर विल बी इंस्टॉल्ड, तो अभी जो भी मेरे लैपटॉप में मिसिंग थे वो 11 ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।